वो सम्मान सिर्फ शब्दों में ना हो, वो दिल में हो, वो हमारे व्यक्तित्व में हो, हमारे कृतित्व में हो, तभी हम जैसे आज कई शहीदों को याद किया गया गीतों में, हम तो खून के ऊपर खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, तो इस तरह से जैसे सैनिकों का सम्मान हुआ, इसमें सबका सम्मान है, यही असली स्वतंत्रता दिवस है। एक और क्वेश्चन, क्योंकि आप चला नहीं पाएंगे उस मोबाइल को, और उस मोबाइल में सिस्टम ऐसा लगा है कि आप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आपकी नियत खराब होती है उस मोबाइल के लिए, तो आप प्लीज नियत खराब ना करें, चुपचाप उस मोबाइल को दे दें। अब देखिए, वो समय बीत गया जब भारत को कोई धमकी देके और डरा देता था। अब समय वो आ गया है कि भारत को धमकी देने के पहले 20 बार सोचेंगे लोग, और भारत का बच्चा बच्चा खड़ा है देश की रक्षा में, कोई भारत का बाल बांका नहीं कर सकता। और हम जब तक बर्दाश्त किए, जिस दिन हमारा सब्र का बांध टूटा, हमारा दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। देखिए, चीन ये सोचना छोड़ दे कि भारत 1962 का भारत है। चीन को 1965 भी याद रखना चाहिए, जबकि एक बहुत ही बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। और भारत अब तो इतना मजबूत है कि न जाने कितने चीन मिलेंगे तो भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। थैंक यू सो मच।